स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू कवर केस स्टडी ऑफ क्लास 9 चैप्टर 1 मैथ्स। सो ध्यान से देखिएगा आज की केस स्टडी को। सो हमारी आज की केस स्टडी आपकी स्क्रीन पे ये है। सो केस स्टडी का पहला क्वेश्चन ये रहा, आपको इसमें बोला हुआ है अजय इज ऑन रोड ट्रिप, अजय एक रोड ट्रिप पे है, he starts from is a road trip, ऐसे बोला हुआ है कि उसने रोड ट्रिप शुरू करा, ये कहानी लिखी हुई है। वो कह रहे हैं अजय पहले कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ए इन फर्स्ट लैप एंड रीचेस डेस्टिनेशन बी, मतलब पहले अजय ए से बी की तरफ जा रहा है केस स्टडी के अकॉर्डिंग, और ए से बी के बीच का डिस्टेंस भी दे रखा है, वो ये रहा, ए से बी का डिस्टेंस ये रहा, फिर बी से सी की तरफ जाता है, पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर लास्ट में सी से डी, मतलब उसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला हुआ, और डी पे जाके रुक जाता है। ए से बी का डिस्टेंस ये दे रखा है, ये रहा ए से बी का डिस्टेंस, और मैं यहाँ पे लिखने लगा एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब, ए से बी का डिस्टेंस है, एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फिर बी और सी का डिस्टेंस ये दे रखा हूँ। सो बी से यानी देन ही कम बैक ऑन द सेम रोड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ दिस टू रीच डेस्टिनेशन सी, बी से सी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है 5 ब्रैकेट्स में एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद सी से डी का डिस्टेंस भी दे रखा है, वो ये रहा क्वेश्चन में मैं लिखने वाला हूँ, ये सी यानी सी से डी तक का डिस्टेंस ये रहा, तो मैं ये लिख रहा हूँ सी से डी तक का डिस्टेंस एक्स प्लस 1 ओवर एक्स है, तो मैंने यहाँ पे लिख देना सी से डी तक का डिस्टेंस, यहाँ से देखिए एक्स प्लस 1 ओवर एक्स सी से डी तक का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब मैं यहाँ पे एक्स प्लस 1 ओवर एक्स लिख दिया। सो यानी ये फर्स्ट ट्रिप था उसका, ये सेकंड ट्रिप था, ये थर्ड ट्रिप था। आपको पहले पार्ट में बोल रहा है कि उसके थर्ड ट्रिप का यानी वैल्यू निकालो x प्लस 1 ओवर x, ये बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन में ना x दिया हुआ है, x दे रखा है, देखो स्टार्टिंग में देखो दिया हुआ है ये रहा x, क्वेश्चन में हमारे को x दे रखा है, तो मैंने यहां से x की वैल्यू वो वाली कॉपी पेस्ट कर देनी है, 5 प्लस रूट 21 ओवर 2, यहां पे लिख रहा हूं 5 प्लस रूट 21 ओवर 2, ये x की वैल्यू है, मेरे को थर्ड ट्रिप की वैल्यू निकालनी है, मतलब मेरे को निकालनी है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू, x ये है तो 1 ओवर x इसी x का रेसिप्रोकल होगा, x की वैल्यू ये रही तो 1 ओवर x इसी x का रेसिप्रोकल होगा, मतलब x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2 ओवर 5 प्लस रूट 21, जब भी हमारा डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, 5 माइनस रूट 21 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 5 माइनस रूट 21, ये सब आपको बता देते हैं। आपके पास x क्वेश्चन में दे रखा था, ये x दे रखा था, तो 1 ओवर x मतलब किसी x का रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 ओवर 5 प्लस रूट 21, जब भी आपका डिनोमिनेटर में ये रूट्स में आ जाए तो आप उसको रैशनलाइज करते हैं, 2 ओवर 5 प्लस रूट 21 इसको रैशनलाइज करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 5 माइनस रूट 21 ओवर 5 माइनस रूट 21, नीचे अब आइडेंटिटी हमारी लग रही है a प्लस b a माइनस b की नीचे की ओर, मतलब वो किसके इक्वल हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b a माइनस b व्हिच इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऊपर वैसे ऐसे यानी जो था डिनोमिनेटर में वो वैसे ही रहती है। अब मेरे पास 1 ओवर x हो गया 2 ब्रैकेट्स में 5 माइनस रूट 21 5 का स्क्वायर 25 और रूट 21 का स्क्वायर 21, तो फाइनली मेरे पास 1 ओवर x आ जाएगा 2 ब्रैकेट्स में 5 माइनस रूट 21 25 माइनस 21 इज 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4, मतलब मेरे पास 1 ओवर x की वैल्यू ये आ गई है, मेरे को निकालना फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 ओवर x ही है, x की वैल्यू क्या 5 प्लस रूट 21 ओवर 2, 1 ओवर x अभी हमने ये निकाला 5 माइनस रूट 21 ओवर 2, एलसीएम हो गया मेरे पास 2, ऊपर क्या आ गया 5 प्लस रूट 21 5 माइनस रूट 21 प्लस रूट 21 माइनस रूट 21 कट गया, 5 प्लस 5 क्या हो गया 10 ओवर 2 व्हिच इज इक्वल टू 5, तो मेरा ये पहला पार्ट हो गया, देखो मेरे पास यानी 5 आया आंसर, देखो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू सॉल्व करके मेरे पास 5 आई, मैंने यहाँ पे 5 को टिक कर दिया, तो आपका ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सो ये फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा, बहुत इजी था और हमने कर भी लिया, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, सो अब सेकंड पार्ट से पहले हम इसको एरेज कर देते हैं और हम अब सेकंड पार्ट करेंगे। सो अब सेकंड पार्ट को अच्छे से समझो, सो हमने इसको एरेज कर दिया, फर्स्ट पार्ट इज ओवर नाउ सेकंड पार्ट, सो सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट पढ़े, आपको निकालना है ये x 5 into x square plus 1 over x square की वैल्यू, सो बड़ा इजी है, आपने फर्स्ट पार्ट में x plus 1 over x square निकाला था, 5 निकाला ना, आप स्केयरिंग बोथ साइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं आपने इसी की स्केयरिंग बोथ साइड कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगा x square a square plus b square plus 2 times a times b is equal to 25, ये x के साथ x कट गया, देखो मेरे पास क्या हो गया x square plus 1 over x square, ये plus 2 उधर जाके minus 2 हो जाएगा 25 minus 2, तो मेरे पास अब मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया 23, तो ये 23 आ गया, तो अब मेरे को पर निकालना सेकंड पार्ट में क्या था, ध्यान से देखिएगा सेकंड पार्ट में मैंने निकालना था 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर 23 निकाल चुके हैं, तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह पे 23 लिखा, 23 इंटू 5 इज 115, तो हमारा सेकंड पार्ट हो गया जिसमें मेरे को इस चीज की वैल्यू निकालनी थी और हम ऑप्शन को टिक कर देते हैं, सो मेरे पास ये रही है, देखो अब थर्ड पार्ट देखो बहुत इजी है थर्ड पार्ट भी, सो एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब निकालना है, तो अब हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल रहे हैं, सो आपको जो फर्स्ट पार्ट में एक्स प्लस 1 ओवर एक्स निकाल चुके थे, सो इसी से हम एक्स क्यूब प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब निकाल लेंगे,
एक्स प्लस वन ओवर एक्स आप निकाल चुके थे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स हम निकाल चुके थे फर्स्ट पार्ट में फाइव, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स क्यूब। आप क्यूबिंग बोथ साइड कर देंगे, क्यूबिंग बोथ साइड ऐसे, तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब लग जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपको x क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब निकालना थर्ड पार्ट में, और आपके पास 5 का क्यूब हो गया 125, ये x के साथ x कट गया। x प्लस वन ओवर x की जगह पे इसकी जगह पे 5 लिख सकते हैं, तो x क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब प्लस 3, और इस x प्लस वन ओवर x की जगह पे ये 5 लिख दिया, ये वाला ये 5 आया कैसे, यहाँ पे x प्लस वन ओवर x आपको 5 था स्टार्टिंग स्टेप में, तो मेरे पास अब यहाँ पे 125, अब मेरे पास ये यहाँ पे फाइनल आंसर आने वाला इसका, तो मेरे पास क्या रह गया x क्यूब प्लस वन ओवर x क्यूब प्लस 15 इज इक्वल टू 125, तो ये प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, मेरे पास हो गया 125 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 110। देखिए ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया जिसमें मेरे को x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब की वैल्यू निकालनी थी, तो हम सी पार्ट को टिक कर देते हैं, 110 आ गया, बहुत इजी हो गया। देखो ये अब हमारा फोर्थ पार्ट, देखो जरा ध्यान से फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। फोर्थ पार्ट में कह रहे हैं कि अब वो टोटल डिस्टेंस निकालो, आपने फर्स्ट पार्ट में x प्लस 1 ओवर x देखो कितना निकाला था, x प्लस 1 ओवर x फर्स्ट पार्ट में आपने निकाला था 5, यहाँ से देखिए 5 निकाला था, फिर x क्यूब प्लस 1 ओवर x क्यूब आपने 110 निकाला, यहाँ पे 110 लिख दिया, माइनस सेकंड पार्ट में पूरी वैल्यू 5 इनटू x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर आपने 115 निकाली थी, देखो मैंने यही वैल्यू सब फिल कर ली, 115 लिख दिया यहाँ पे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 110 माइनस 5 माइनस 5, और मेरे पास आ गया यहाँ पे 110 माइनस 115 माइनस 5 माइनस 5, और ये प्लस 5 0, ये जीरो आ गया, सॉल्व करके वैल्यू सही कर दी, एक्स क्यू प्लस वन ओवर एक्स क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पे थर्ड पार्ट में निकाली थी, फिर 5 इनटू एक्स क्यू प्लस वन ओवर एक्स क्यू की सेकंड पार्ट में निकाली थी, इसकी फर्स्ट पार्ट में निकाल ली थी। अब हमारा लास्ट पार्ट, व्हाट वाज अजय'स फाइनल पोजीशन, मींस आपका यहाँ से 0 किलोमीटर आया ना, मतलब वो जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे रुक गया, मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, ए पॉइंट पे, वहाँ पे इस पार्ट में आपका 0 किलोमीटर आया ना, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए 0 किलोमीटर, मींस जहाँ से चला था वहीं पे वापस आके रुक गया, मतलब एट पॉइंट ए ही, और ये खत्म हो गया क्वेश्चन, दैट्स इट। सो ये हमारा क्वेश्चन खत्म है।